आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के आंगनवाड़ी मुख्य बड़ी खबरों में स्वागत है। बहनों हम बता दें कि कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सोमवार को ही औचक निरीक्षण दिया था, आज बुधवार हो चुका है। आप लोग अपना पंजी रजिस्टर जरूर तैयार रखें। जिस भी जिले से बहनें देख रही हैं, हम बता दें कि अब औचक निरीक्षण जो है तेजी से शुरू होगा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए, जहां पर आप लोगों के खास तौर से पंजी रजिस्टरों को देखा जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं अभी हल्द्वानी जिले की, जहां पे कलेक्टर के द्वारा अचानक आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया, जहां पर अव्यवस्था मिलने पे नाराजगी भी जताई गई। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने पुराने कलेक्ट्रेट के पीछे जेल रोड के पास स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 35 पर पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में शासन से संचालित योजनाओं के बारे में पूछा कि भैया सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं इस टाइम पे चलाई जा रही हैं हितग्राहियों के लिए, आप बताओ। यह सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं बहनों। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, बच्चों को मिलने वाला नाश्ता, मध्याह्न भोजन, बच्चों का वजन, ऊंचाई, कुपोषित बच्चों की स्थिति की भी जानकारी ली। सभी जानकारियां मौखिक तौर पे बहनों पूछी गई थीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कि बच्चों की उपस्थिति कितनी रहती है, बच्चों को मिलने वाला नाश्ता समय पे आता है कि नहीं, मध्याह्न भोजन के बारे में, बच्चों का वजन ऊंचाई भी पूछी गई, कुपोषित बच्चों की स्थिति की जानकारी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से वहीं पर पूछी गई। वहीं पे आंगनवाड़ियों में टीकाकरण सहित अन्य गतिविधियों के रिकॉर्ड की भी जांच की गई, मतलब टीकाकरण का रजिस्टर भी अच्छे से जांच किया गया। उसके साथ साथ अन्य भी गतिविधियों वाले जितने भी रजिस्टर हैं, स्टॉक रजिस्टर हो, पूरक पोषण आहार रजिस्टर हो, वजन रजिस्टर हो, गर्भवती धात्री रजिस्टर हो, सभी की जाँच कलेक्टर ने खुद की। कलेक्टर ने नीचे बैठकर बच्चों से भी बातचीत की, उन्होंने बच्चों से आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में जानकारी ली। महिला एवं बाल विकास विभाग ने के जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत सिंह राजपूत और नगर पालिका के सीएमओ को मौके पर बुलवाया। कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र के रास्ते में गंदगी को देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए नगर पालिका के सीएमओ अनिल विदुआ को नियमित सफाई के भी यहां पे निर्देश दिए। मतलब आप देख सकती हैं बहनों कि किस प्रकार की जांच कलेक्टर के द्वारा की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार कर बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया गया। हल्द्वानी में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा चेतावनी दी गई कि अगर सरकार की ओर से मांगे पूरी नहीं की गई आंगनवाड़ी बहनों की, तो बच्चों को मार्च में पोलियो भी नहीं पिलाएंगी, इस चीज़ की धमकी यहां पे दी गई है। मतलब कार्यकर्ता बहनों का अगर मानदेय नहीं बढ़ता है तो मार्च में अगर उनकी ड्यूटी पोलियो अभियान के तहत लगाई जाती है, वह बच्चों को पोलियो नहीं पिलाएंगी। 20 फरवरी से केंद्रों में भी काम काज ठप करने, साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप में हाजिरी लगाना भी बंद कर दिए जाने की धमकी दी गई है। साथ ही बीएलओ के कार्य भी नहीं करेंगी, इस चीज़ के लिए भी यहां पे बोला गया है कि बीएलओ के कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। और मंगलवार को बुद्ध पार्क में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी आंगनवाड़ी बहने संगठन के बैनर तले कार्यकर्ताओं की नारेबाजी करके अपनी मांगों को रखा है। वहां की जो जिला अध्यक्ष हेमा लोहनी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की जो न्यूनतम मजदूरी है 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपये मानदेय किया जाए, जबकि वहां की जिला अध्यक्ष ने खुद सपोर्ट किया है, बोला है कि 600 रुपये कम से कम एक दिन का मानदेय बहनों का हो और 18,000 रुपये उनका मासिक मानदेय किया जाए। वरिष्ठता के आधार पर 15 वर्ष पूरे होने पर प्रति वर्ष मानदेय बढ़ाया जाए, रिटायरमेंट होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 2 लाख रुपए देने का प्रावधान किया जाए।
आप देख सकते हैं हल्द्वानी में अभी भी कार्यकर्ताओं के रिटायरमेंट होने पे किसी भी प्रकार के पैसा देने का प्रावधान नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता बहनों को 1,25,000 तथा सहायिका और मिनी बहनों को 1,00,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इस दौरान बहनों यहाँ पे नीता आर्या, हंसा देवी, कमला पांडे, सोनी धर्मवाल, सीमा नेक भी इत्यादि जो है कि कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन की सदस्य सचिव इत्यादि लोग भी बहनों यहाँ पे मौजूद रहें, जहाँ पे इनकी मुख्य मांग है कि 18,000 रुपये हमारा मानदेय किया जाए, वरना आंगनबाड़ी केंद्र तो बंद ही रहेगा। साथ ही साथ हम लोग मार्च में पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो भी नहीं पिलाई जाएगी। तो बहनों आप अपने मुख्य रजिस्टरों को कंप्लीट रखें, ताकि अगर जिला कलेक्टर की मीटिंग भी होती है तो आप लोग सब कुछ बता सकें मौखिक रूप से। आप लोगों के कोई भी सवाल हो, जवाब हो, तो आप कमेंट करके बहनों पूछ सकती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, आंगनबाड़ी ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए बहनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को 1 लाइक बहनों जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आंगनबाड़ी की अन्य मुख्य एवं और भी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बहनों नमस्कार।